समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के इलमास नगर स्थित एक बगीचे में सुबह एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मृतक की पहचान मनवारा वार्ड संख्या 8 निवासी भुट्टो पासवान का 45 वर्षीय पुत्र जितेंद्र पासवान के रूप में हुई थी। उधर घटना की सूचना मिलते ही खानपुर थाने के उप थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, अनिल कुमार सिंह, एसआई सुबोध कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुट गए। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। जांच उपरांत कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजना चाह रहे थे, लेकिन परिजन व कुछ लोगों के द्वारा शव को नहीं उठाने दिया जा रहा था। लोग एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। उधर उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे, सदर एसडीओ दीपक कुमार, अंचलाधिकारी रंजन कुमार दिवाकर सहित अन्य कई थाने की पुलिस स्थल पर पहुंची। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को किसी प्रकार से अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। उधर पूरा गाछी कई घंटों तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। घटना घटी है कि मृतक इसी गांव के रहने वाले हैं। रात में वो 12 बजे तक अपने परिवार के साथ थे और सुबह में उनकी लाश जो है एक पेड़ के पास उन्हीं के गमछा से लटका हुआ पाया गया है, जिसके कारण मृत्यु हुई है। तत्काल शव को देखने से लग रहा है कि रिगर मोर्टिस ज़्यादा हो गया है, तो अविलंब जो है इनका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए समस्तीपुर से प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट।